किए होते हैं उनको तो बहुत ही लगेगा ज्यादा. यू नो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अभी शिल्पा जी का नो एलिमिनेशन वीक हो गया, सो स्टंट ही अबॉर्ट कर दिया है और फिर भी वो नो एलिमिनेशन. कहीं ना कहीं फैंस का ऐसा कहना है कि मेकर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं दो कंटेस्टेंट्स के लिए थोड़े से बायस थे, जिनका एलिमिनेशन के बाद में उनको दोबारा वापस लाया गया. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपका क्या कहना है? आई ऑनेस्टली कांट से एनी थिंग ऑन दैट, क्योंकि मुझे मतलब वो लोग किस तरह से क्या उनका है मुझे आई हैव नो आइडिया. बट ऑल आई से दैट मे बी इट्स लक और व्हाटएवर दैट दे गॉट लकी. आई ओनली कैन से दैट, व्हाट एल्स कैन आई से. दोबारा उनको एंट्री देना ऐसा नहीं लगता कि बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ में थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है? ऑफकोर्स, मतलब यू नो जिन्होंने स्टंट्स किए होते हैं उनको तो बहुत ही लगेगा ज़्यादा. यू नो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अभी शिल्पा जी का नो एलिमिनेशन वीक हो गया, सो आई एम श्योर दैट यू नो जब शुमोना और करणवीर ने वो स्टंट किया विच वॉज सो डिफिकल्ट, तो अगर उनके वक्त ऐसा होता दैट यू नो कि अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया होता और नो एलिमिनेशन हो जाता तो सबको लगता कि हाँ ठीक है, दिस वॉज फेयर कि उनको नो एलिमिनेशन मिल गया. बट अगर किसी ने स्टंट ही अबॉर्ट कर दिया है और फिर भी वो नो एलिमिनेशन, तो वो डेफिनेटली बहुत लकी हो गए फिर उस टाइम पे दैट यू नो ऑलरेडी डिसाइडेड था कि नो एलिमिनेशन वीक है.